हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 1.2 के हल। प्रश्नावली 1.2 का चर्चा करेंगे, पर उसकी चर्चा करने से पहले इसके जो आपके एग्जांपल दिए गए हैं बुक में, वो एग्जांपल जो है बोर्ड के पेपर से बहुत महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, जो अभी आज के दिन ही जो पेपर हुआ है, आज के दिन के पेपर में, बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो जरूर हम आपको बताएंगे, कितने नंबर का पूछा गया वो भी बताएंगे। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, इस चैप्टर में एक हमको प्रमेय पढ़ना है, जिसे हम लोग कहते हैं विरोधाभास प्रमेय। विरोधाभास प्रमेय का मतलब होता है जो चीज़ आप कह रहे हो उसका उल्टा होगा। जैसे आपने कहा ये सवाल, माना ये सवाल सही है, तो इसका विरोधाभास यानी ये सवाल गलत है। तो विरोधाभास का मतलब उल्टा, यानी एक विरोधाभास प्रमेय की यहाँ जानकारी लेना है। और प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, अगर जो बच्चे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रमेय की चर्चा करना। तो प्रमेय जानते हैं, प्रमेय क्या कह रहा है। प्रमेय 1.3 आपके बुक में करके दिया गया है। प्रमेय 1.3 क्या लिखा है, प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 आपसे करा है, यदि दो पूर्णांक मान लें, क्या मान लें, यदि दो पूर्णांक मान लें, या तो ये कह रहे हैं मानते हैं, माना P कोई अभाज्य संख्या है। P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। माना, वो खुद कह रहे हैं, आइए लिखते हैं जरा से, फिर आपको समझाते हैं। माना P एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, माना P एक अभाज्य संख्या है। ठीक, आगे लिखे हैं दूसरे क्रम में, क्या लिख रहा है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो P A को विभाजित करेगा, तो P A को विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। ये बात समझिएगा, ये बातें जरा सा समझिए प्यारे बच्चों, ये आपका प्रमेय है, इसे ही विरोधाभास प्रमेय कहते हैं। क्या करा, माना P कोई अभाज्य संख्या है, यानी P एक ऐसी संख्या है जो कि विभाजित होने वाली नहीं है, जो कि विभाजित होने वाली नहीं है। प्यारे बच्चों, उसको कह रहा है यदि P को A स्क्वायर विभाजित करता है, A स्क्वायर यहाँ A कोई एक पूर्णांक है, यदि P को A स्क्वायर काटेगा, यानी P को A स्क्वायर काट रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ P जो है वो A स्क्वायर से डिवाइड है, A स्क्वायर से इसको कैंसिल किया जा सकता है, तो यदि P को A स्क्वायर विभाजित करेगा तो P को A भी विभाजित करेगा। जैसे कि कह रहा है कि दो जो है ये चार के वर्ग को विभाजित करेगा, तो यही दो जो है चार को भी विभाजित करेगा, यानी ये दो चार के वर्ग को विभाजित करेगा, तो ये दो जो है चार को भी विभाजित करेगा। कैसे, चार का वर्ग आएगा 16, यानी दो 16 को भी विभाजित कर रहा है, और ये जो चार है ये दो चार को भी विभाजित कर रहा है। यानी विरोधाभास प्रमेय क्या कहता है, विरोधाभास प्रमेय क्या है, यदि कोई P एक अभाज्य संख्या मान लिया जाए, यदि P क्या मान लिया जाए, एक अभाज्य संख्या मान लिया जाए, तो P जो है अगर A स्क्वायर को विभाजित करता है, ये जो P है A स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो ये P A को भी विभाजित करेगा। प्यारे बच्चों, यही आपका प्रमेय है, और इसी प्रमेय पर ये पूरे के पूरे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, एक दो पॉइंट और आपको बताना चाहते हैं, वो जो कि आपके इस चैप्टर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वो एक दो टॉपिक क्या है उसको भी आप देख लीजिएगा। वो दूसरी टॉपिक क्या है, यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या जोड़ने घटाया जोड़ने घटाने गुणा व भाग करने पर गुणा व भाग करने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है होती है। यानी प्यारे बच्चों ये क्या कह रहे हैं, यदि किसी परिमेय संख्या में अगर हम कोई अपरिमेय संख्या जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। अब आइए इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख सकते हो। जैसे दो क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब कहोगे परिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या। तो देखिए इसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख दिए, दो बटे एक लिख दिए, जहाँ पी का मान दो है और क्यू का मान कितना है, एक है। प्यारे बच्चों अब वो कह रहा है किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ दो। जैसे दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जोड़ दिए अंडर रूट दो, तो ये बताइए ये क्या कौन सी संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या जोड़ने पर आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, फिर अपरिमेय संख्या घटाने पर भी क्या मिलेगी, अपरिमेय ही मिलेगी। अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर भी अपरिमेय ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या से भाग देने पर भी अपरिमेय ही मिलेगी। ये आपका नियम कह रहा है। यानी वो कहना चाहता है यदि किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो ये दोनों नियम अगर आपको समझ में आए हों तो हम लोग प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले इसके एग्जाम्पल को हल करेंगे। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर आपका है अंडर रूट दो, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। क्या करना है, उदाहरण प्यारे बच्चों आपके उदाहरण इसलिए कराए जा रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि आपके प्रश्नावली में हर एक सवाल केवल एक एक दिए गए हैं, तो आप उदाहरण लगा लोगे तो आपके कुछ और अभ्यास हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो आइए उदाहरण एक क्या है आपका, उदाहरण एक है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। और जो अभी आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ, जो आज के दिन बोर्ड का एग्जाम था, इस बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कि क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तब करोगे क्या, और जान लीजिएगा प्यारे बच्चों आप इस सवाल को उस हिसाब से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जरूर जरूर इस चैप्टर से पेपर में आपका एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि सिद्ध करना है अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या। तो हमेशा जो दे रहा है उसका उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, हमेशा उल्टा। यानी अपरिमेय सिद्ध करना है तो मानेंगे ये परिमेय है, माना। सबसे पहला स्टेप आपको लगाने के तरीके पता होना चाहिए, माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय का उल्टा मान ली, माने यहां तक बातें क्लियर हुई। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। यानी इस अंडर रूट दो को हम लोग लिख सकते हैं a बटे b। क्यों, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को हम लोग a बटे b p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लिए, इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों।
अब हम क्या करेंगे, अगर कोई पूछा ए और बी आपके क्या हैं, बता दीजिएगा जहां ए बी क्या हैं, पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। बातें समझ में आया? अब आइए उसके बाद बटे एक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए का गुणा एक से करेंगे ए आ जाएगा, अंडर रूट दो का गुणा बी से करेंगे तो अंडर रूट दो बी आ जाएगा। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। चलिए जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करोगे इसके घात दो हो जाएंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्ग करोगे अंडर रूट टू बी का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये टू बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर। ये कर्ली में हट जाएंगे, केवल टू हो जाएंगे और ये बी का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर टू को विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर टू को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, यानी ये दो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो दो ए को भी विभाजित करेगा। कहाँ से? प्रमेय 1.3 से। बताया न कि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो ए को भी विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 मिलाइए क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो दो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो जब दो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो दो ए को भी विभाजित करेगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, तो आप बनाना चाहो तो इसे समीकरण नंबर 1 बना लोगे। प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या हो जाएगा, दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है तो दो ए को भी विभाजित करेगा, ए को विभाजित करेगा। प्रमेय 1.3 से। अब हम यहां मान सकते हैं, क्या मानते हैं, माना ये जो ए है, माना ए बराबर टू सी, जहां सी क्या है, पूर्णांक है, सी क्या है, पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा। यानी हम कह सकते हैं जब ए दो से विभाजित है तो ए जो है दो सी के बराबर है, सी एक आपका पूर्णांक है वहां, तो यानी जब दो ए को विभाजित कर रहा है तो ए बराबर टू सी कर लिए। यही ए का मान समीकरण 1 में रख दो, ए का मान तो लिखेंगे a बराबर टू सी, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 का क्या है, ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर है, तो a के स्थान पे 2c रखेंगे तो ये 2c का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2b का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये 2 का वर्ग करोगे 4, फिर ये c आ गए बराबर 2b स्क्वायर, दो एक के दो, दो दूनी 4, यानी 2c स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 20 स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ 2 जो है 20 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 20 स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 बी को भी विभाजित करेगा। किस प्रमेय से? प्रमेय 1.3 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे, देखिए देख पा रहे होंगे प्रमेय 1.3 से, प्रमेय 1.3 से क्या हो जाएगा कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, तो 2 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। बातें इतनी समझ में आई प्यारे बच्चों? आप यहाँ दो चीज आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो ए ए ए जो ये ए है
और जो ये बी है आपका ए और बी का यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड एक दो है, कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है दो है, यानी ये पी एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ हम कह सकते हैं लिखेंगे क्या लिखेंगे, जहाँ यहाँ लिखेंगे भैया ए और बी, ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी ए और बी के एक गुणनखंड नहीं है बल्कि कोई एक के अलावा भी गुणनखंड है। तो जब ए और बी का एक के अलावा गुणनखंड है तो यहाँ लिखेंगे कि अतः अंडर रूट दो जो है वो एक परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट दो क्या है एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों आप लोग मान के क्या चले थे कि इसको तो गलत मान के चले हो ना, तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ, गलत माने गलत प्रूफ हुआ। तो बताओ प्यारे बच्चों जब गलत माने गलत प्रूफ कर लिए तो अंडर रूट दो क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, अब आगे यहाँ क्या लिख रहा है कि लिखेंगे चूंकि ए व बी के, ए व बी के क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, चूंकि ए व बी के, ए व बी के क्या है एक से अधिक गुणनखंड है, चूंकि ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, अतः अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु विरोध यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, परंतु यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ विरोधाभास उत्पन्न हुआ, अतः अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर आपको लग रहा होगा कि इससे कोई शॉर्ट तरीका है तो इससे कोई शॉर्ट तरीका नहीं मिलने वाला है डियर स्टूडेंट, ये आपको एक बार नहीं दो बार नहीं अभ्यास करने पड़ेंगे प्यारे बच्चों, अभ्यास करने से आपको जरूर आ जाएगा ये मेरा उम्मीद है प्यारे बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फिर हम लोग आगे की क्लास सवाल को कंटिन्यू करते हैं। चलिए उदाहरण दो क्या कर रहा है, इस बार आपको प्रूफ करना है कि अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, क्या प्रूफ करना है इस बार अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही जैसे आपने अभी देखा था उदाहरण एक, ऐसे ही उदाहरण दो है। आइए एक बार और अभ्यास कर लेते हैं, हो सकता है कि अब इस बार आपको समझ में आ जाए। क्या है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध कीजिए अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग विरोधाभास मानेंगे कि मानेंगे पहला स्टेप हमने क्या बताया था, माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या है, इतनी बातें मान लिए, माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है उसे हम लोग a बटे b के रूप में लिख देते हैं, यानी अंडर रूट तीन बराबर a अपान b हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, a का गुणा एक में करें a और इसका गुणा कर दिए अंडर रूट तीन बी, फिर क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका वर्ग करोगे तो कर्णी हट जाएगा तो क्या आ जाएगा तीन बी स्क्वायर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ए स्क्वायर तीन को विभाजित कर रहा है तो ए भी तीन को विभाजित करेगा, या तो तीन ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो तीन ए को भी विभाजित करेगा। ये बी मत देखिए,
केवल इसको देखिए कि ये तीन जो है ए स्क्वायर को काट रहा है तो तीन ए को भी काटेगा। क्यों? क्योंकि प्रमेय आपका कहता है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो यानी प्रमेय 1.3, प्रमेय 1.3 से क्या लिखेंगे, तीन ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, करता है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः तब तीन ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। ये बातें क्लियर हुई। अब जब विभाजित करेगा तो हम क्या लिखेंगे दूसरे स्टेप में कि यहाँ a बराबर क्या लिख लेते हैं, 3c, और ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा। a बराबर क्या लिख लेते हैं, 3c। a बराबर मान लेते हैं, माना a बराबर क्या है, 3c, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है, जहाँ c क्या है, पूर्णांक है। चलिए c क्या है भैया, पूर्णांक है। अब आप क्या करोगे, तो a का मान a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, यही है। तो ए स्क्वायर यानी a के स्थान पे क्या रखना है, 3c, तो यहाँ 3c रख देंगे, स्क्वायर करेंगे, बराबर 3b का स्क्वायर, तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9, और ये c स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, 3 1 3 और 3 3 9, तो यहाँ 3c स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 20 स्क्वायर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये 3 जो है 20 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। प्रमेय 1.3 से 3 20 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 3 20 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक। 3 जो है 20 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 3 जो है बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, तो विभाजित करेगा। तो प्यारे बच्चों यहां हम क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि जो है ए और बी के, जो ए और बी हैं उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कम से कम क्या है, 3 है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है, लिख देंगे। चूंकि ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 3 है। क्यों? क्योंकि 3 बी को भी काट रहा है, 3 जो है ए को भी काट रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। अतः √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः √3 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब उम्मीद करते होंगे प्यारे बच्चों कि आपको ऐसा सवाल मिल जाएगा तो आप बोर्ड पेपर में इसको सॉल्व कर लोगे प्यारे बच्चों। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों। तब तक हम आगे की सवाल को कंटिन्यू करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग इसको बढ़ते हैं, उदाहरण, अगले उदाहरण की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी ये दूसरा चीज जो लिखे हैं इसका तो कहीं उपयोग ही नहीं हुआ है, अभी आने वाला है इसका भी उपयोग होगा, देखते रहिएगा। चलिए तो यहां प्यारे बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, उदाहरण अगला है कि दर्शाइए कि, उदाहरण 3, उदाहरण नंबर 3,
ठीक प्यारे बच्चों, दर्शाइए कि दर्शाइए कि पांच माइनस कर्ली में तीन, पांच माइनस कर्ली में तीन एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दर्शाइए कि पांच माइनस अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए पहले जरा सा, आपने कहा था ना परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त आएंगी, तो अब इसका नियम लगने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है, माना पांच माइनस कर्ली में तीन एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जब ये परिमेय संख्या है इसे हम लोग क्या लिख देंगे? पांच माइनस कर्ली में तीन बराबर ए बटे बी, यानी हम लोग इसे ए बटे बी के रूप में लिख दिए, जहां ए व बी क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये बातें हो गई प्यारे बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, अगर अंडर रूट तीन उधर चला जाए, अगर अंडर रूट तीन उधर चला जाएगा और a बटे बी इधर आएगा, तो प्यारे बच्चों जब ये a बटे बी इधर आएंगे तो माइनस a बटे बी हो जाएगा, और कर्णी में तीन उधर जाएगा तो प्लस कर्णी में तीन हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो आपका पाँच बटे पाँच माइनस a बटे बी यहाँ क्या है आपका, आप देख सकते होंगे प्यारे बच्चों, ठीक ये देखिएगा, ये पांच बटे ए माइनस बी एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है परिमेय संख्या? आप ध्यान से पढ़िएगा, आपने ये लिखा है कि परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाने पर, तो ये ए बटे बी जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या नहीं है, ये ए बटे बी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पी बटे क्यू या ए बटे बी का रूप है, तो ये परिमेय अपरिमेय नहीं है। तो परिमेय में से परिमेय को घटाएंगे तो परिमेय ही मिलता है, तो लिखेंगे चूंकि पांच माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, अतः कर्णी में तीन भी एक परिमेय संख्या है। क्या दिया है पहले बच्चों क्वेश्चन क्या दिया? हाँ, तो क्या लिखेंगे? अतः कर्णी तीन भी एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, परंतु अतः या तो लिख सकते हैं परंतु इसका विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु विरोधाभास प्रमेय से, परंतु विरोधाभास प्रमेय से दी गई संख्या कौन है? पांच कर्णी में तीन क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या करना था? दर्शाना था, तो आपने परिमेय संख्या माना, इसे a बटे b के रूप में लिख दिए, फिर इनका हम लोगों ने प्रतिस्थापन किया, इनको इधर किए, तो परिमेय में से परिमेय घटाया जाएगा तो परिमेय मिलेगा, तो ये आपका परिमेय संख्या है, अतः अंडर रूट तीन भी आपकी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम लोग पहले से ही गलत मान के चले हैं, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है तो विरोधाभास इसका प्राप्त हुआ, तो विरोधाभास प्राप्त होने से यह परिमेय नहीं क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर से पहले जो उदाहरण दिए गए थे, जो एग्जांपल दिए गए थे, उसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट कौन है? दर्शाइए कि उदाहरण नंबर चार,
दर्शाइए कि तीन अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है डियर स्टूडेंट। पहला स्टेप हमने क्या बताया, माना तीन अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग जरूर a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, तो a बटे बी लिख दिए प्यारे बच्चों। तो ध्यान से समझिएगा, अगर तीन का हम लोग पक्षांतर करते हैं यानी तीन इधर आएगा तो ये अंडर रूट तीन बराबर a बटे क्या आ जाएगा, 3b, a बटे क्या 3b, जहां a और b क्या है पूर्णांक है, a और b क्या है पूर्णांक है, इसलिए a बटे 3b, a बटे 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर है ना, तत लिख देंगे अतः अंडर रूट दो भी एक परिमेय संख्या होगी। बातें क्लियर हुई, परंतु विरोधाभास हुआ, विरोधाभास प्रमेय से लगाएंगे तो परंतु क्या होगा, इस निष्कर्ष का विरोधाभास प्राप्त होता है। परंतु यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः तीन अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। और प्यारे बच्चों उम्मीद करते होंगे कि आज के जो क्लास में आपको जो ये उदाहरण समझाए गए हैं प्यारे बच्चों, इसके आधार पे जो आपका प्रश्नावली है वो आप ज़रूर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। और सॉल्व करके अगर आपको कहीं आज की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। और उम्मीद करते होंगे कि आज की क्लास आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो प्यारे बच्चों जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं तब आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।